बलूचिस्तान दमग तुरबता डिप्टी कमिश्नर कीच हुसैन जान बलूच पागवाजया सरकारी मकामानी जिलई अफसरानो अंजुमन ताजरान उगदारानी गुमा यक दीवानी बीसी कारगिसा बरजमदार खुद दीवा ने तहा कीच लसमल्लुक के जीडा अमन एमिनी तजावीज़ात ट्रैफिक जावरहाल गिरान बाई सपाई सरकारी जमीनानी सरा लैंड माफिया कब्जा दिगा जीडानी सरा गपोत्रानो शोरो सलाकनक बुद 20 अगस्त के दिल्ली अफसरान अंजुमन ताजरान मीडिया सिविल सोसाइटी कुमक का तुरबत जीडा की शिकवार कनक बंद मल्लुक का हल्लम आसराती दियकी दीवा नपद डीसी ओसेंजन बलोचा एवालकार ब्रीफिंग ज्ञान गुश्त के ये मीटिंग जो हमने कॉल की थी खासतौर पर ये सिर्फ और सिर्फ बाजार की साफ सुथराई, जितने भी जो सिटी एरिया के जितने भी जो इंक्रोचमेंट्स हैं, गाड़ियों की रोकथाम के हवाले से और इसके साथ साथ जो ज़ायदुल मियाद अशिया, एक्सपायर्ड आइटम्स और इसके साथ जितने भी जो हमारे ख़ास तौर पर जो मेडिकल स्टोर्स हैं, सही है ना, हमें ख़ास तौर पर यही रिपोर्ट हो रही है कि मेडिकल स्टोर में ज़ायदुल मियाद और इसके साथ साथ स्पूरियस ड्रग्स ये बाकायदा उसकी कारोबार जारी है। ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक के जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, सही है ना, मेरे ख्याल से अभी जितने ईरानियन गाड़ी और इसके साथ साथ जो ट्रक्स हैं वो बिल्कुल उनकी मूवमेंट है वहाँ पे ट्रैफिक में, उसमें बाज़ार में। तो हमारी इंशाल्लाह यही कोशिश होगी जितने भी जो माइनर इश्यूज़ हैं, माइनर इश्यूज़ जल्द से जल्द हल हो जाएं। तो इसके लिए हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। कमेटी से मुराद इंशाल्लाह वो वाली कमेटी नहीं होगी कि उसके बाद उसका पता भी नहीं चलेगा कि रिपोर्ट उसकी कब यहाँ पे सबमिट होगी। तो कमेटी को क्लियर कट हम यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि विद इन 3 डेज़ पूरे बाज़ार को वो सर्वे करें और इसके साथ साथ जहाँ पे कोई इनक्रोचमेंट है और जहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, तो जब वो अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करेगी फिर उसके बाद हम फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ कल तक इंशाल्लाह कुछ नोटिफिकेशंस मैं इशू करने वाला हूँ, वो जितने भी जो ईरानी गाड़ी होंगे उस पर पाबंदी लगेगी और इसके साथ साथ जितने भी जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसकी चेकिंग होगी और मार्केट्स की दुकानों की चेकिंग होगी और इसके साथ एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उनकी चेकिंग होगी। बाज़ार की साफ़ सुथराई के लिए जो हमारे चीफ ऑफिसर साहब यहाँ पे बैठे हैं, माशाल्लाह ऑल ऑफ देम आर वेरी कॉम्पिटेंट, तो मुझे उम्मीद यही होगी कि सब की सपोर्ट से, ख़ासतौर पर अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी की सपोर्ट से, तो आज वो काफ़ी हद तक कन्विंस हो गए थे कि जितने भी जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस हुए, तो वो यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हर हाल में सपोर्ट करेंगे। जब उनकी सपोर्ट होगी तो मेरे ख्याल से जितने भी जो एजेंडा पॉइंट्स हैं विद इन 10 डेज़ और 15 डेज़ ये सारे इसमें हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कीच आपको ख़ुद बेहतर पता है कि एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है विद अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया, इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो सबसे जो मेन हमारा जो प्रॉब्लम है हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सेक्टर हो गया और इसके साथ साथ जो लैंड माफिया हो गया जो आज तक आजकल मेरे ख्याल से काफ़ी एक्टिव हो गई है। तो आपके प्रोग्राम के तवसत से उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ड्रग माफिया को और लैंड माफिया को और ख़ास तौर पर जितने भी जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ से मुराद सर्वेंट, जैसा मैं भी उनकी तरह एक सर्वेंट हूँ, सही है ना। तो मैं ये मैसेज उनको ये देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर लैंड माफिया हो गया, लैंड इसमें जो ड्रग माफिया हो गया, कि आप अपना किबला दुरुस्त करें, सही है ना। उसके बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो हमारी कार्रवाई छोटी कार्रवाई नहीं होगी। तो उनको हर हाल में जो एक नासूर वो फैलाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कीच में, जो हमारे जनरेशन को वो तबाह करना चाहते हैं, उनको हम हर कीमत में वो उनको अलाउ नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ जो लैंड ग्रेबर्स हैं, तो डिप्टी कमिश्नर इज़ द कस्टोडियन ऑफ लैंड्स, उनकी सबसे पहली यही जिम्मेदारी होगी जो स्टेट लैंड है उनकी हिफाजत करना। कुछ मेरे नॉलेज में है कि कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो सरकारी ज़मीनों पे काबिज़ हैं। सबसे पहली हमारी यही कोशिश होगी कि वो सरकारी लैंड्स हम रिट्रीव करवाएं और उसके साथ साथ जो हिली गली किसी को कोई लैंड हलाट हुआ है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द या कैंसिल होगी या उसके लिए हम जितने भी हमारे जो सीनियर्स ऑफिसर्स हैं उनको हम लिखेंगे कि इसकी इंक्वायरी की जाए थ्रू लैंड रिकॉर्ड और थ्रू SMBR। एक लेटर हमें मिला है तो शायद 2 या 3 तारीख को यहाँ पे 4G ओपन हो, लेकिन इसकी मैं गारंटी आप लोगों को नहीं दूंगा। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इसी 5-6 दिनों में इंशाल्लाह तुरबत में 4G बहाल होगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस पर काम हो रहा है। उम्मीद यही है कि 2, 3 या 4 तारीख को यहाँ पे 4G बहाल हो। 30 अगस्त तुरबत तहा इंटरनेट 4G डेटा पच कनायन के जो बिंदा तनक बुतक इंशाल्लाह जुद चौबंदी रही। इस आता ADC सिराज करीम, AC दश्त खुर्रम खालिद, ADLG शुहैब नासिर, चीफ ऑफिसर तुरबत अफजल शहजादा, चीफ ऑफिसर तुबा इमदाद बुक्की, DSP लालजान, रसालदार मेजर सुमाइल अब्दुल खालिक, फहद रहीमो, निगाह अफसर सारियता, अक्ष उरिया, सरफराज शाह, वश न्यूज़ तुरबत। पगेश्तर नुकतने अहवालन सरबो के हाथरा फॉलो और लाइक भी करें वश न्यूज़ फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब भी करें वश न्यूज़ गिद्रोशिया YouTube चैनल और बिजनेस घंटी बटना।